हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग देखेंगे दो चीज़ों की जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो एक है क्लाउड टेल की तरफ से और एक है सेपरेट्स डिजिटल की तरफ से। तो ये हम बॉक्स को खोलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये साइड में टेपें लगी हुई है अमेजोन प्राइम की। आप भी अमेजोन प्राइम ले लो ताकि आपको भी अमेजोन प्राइम की टेपें मिले। और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ की अनबॉक्सिंग वीडियो इसमें देखने को मिलेगी और एक अलग से मिलेगी, दोनों की अलग अलग वीडियो मिलेगी देखने को। तो ये खोल लेते हैं तो लास्ट इसका खुला है, अंदर देखते हैं क्या चीज़ निकलती है। तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर ट्रिमर रखा हुआ है जो कि मैंने मंगवाया है 500 रुपये के पास में। तो बिल में देख लेंगे रेट कितना है। तो ये कुबरा कंपनी का है, बढ़िया ट्रिमर है। इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। तो बॉक्स को निकाल लेते हैं बाहर और इसके साथ में मैंने मंगाई है एक बुक जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और समरी की वीडियो मैं बना चुका हूं। तो ये बिल देख लेते हैं, बिल में क्या प्राइस लिखा हुआ है। तो ये बिल में एग्जैक्ट प्राइस देखते हैं 549 रुपये का है और 187 रुपये का GST लगा है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। तो बिल को साइड में रख देते हैं और बुक की समरी वीडियो में बना चुका हूं तो वो आप आई बटन में देख सकते हो, आ रही होगा लिंक उसका, वहां से देख लेना। तो बुक को साइड में रखते हैं तो ट्रिमर के बॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे ऊपर कुबरा लिखा हुआ है, 20 प्रिसिशन लेंथ आती है, 0 mm से 10 mm तक की, 0.5 mm करके USB चार्जिंग है, 8 घंटे का टाइम है, 50 मिनट का रन टाइम है। तो साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइड में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एयर ट्रिमर, ऑन ऑफ स्विच, USB चार्जिंग केबल और क्लीनिंग ब्रश आता है इसके अंदर। और पीछे की तरफ देखते हैं तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए, एडवांस कटिंग ब्लेड, म्यूटेड डिज़ाइन, स्टीम्ड प्रोडक्ट एक्सेसरीज, इंडिकेटर, ऑन ऑफ स्विच आता है, जूम व्हील आती है, प्रिसाइज ब्लेड आता है। और साइड की तरफ यहाँ पे स्कैन करने का दिया हुआ है और 1000 रुपये MRP लिखा हुआ है, पर देख चुके हैं अपने ओरिजिनल प्राइस क्या आता है इसका। तो नीचे की तरफ कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक टेप लगी हुई है। टेप को खोलते हैं तो यहाँ पे टेप को काट लेते हैं तो सबसे ऊपर देखते हैं क्या निकलता है। तो खोलते हैं इसको तो अंदर कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ फील हो रहा है। तो बाहर निकालते हैं इसके सिंक को। सो तो सबसे ऊपर हमारे पे यहाँ पे दिख रहा है कि यूज़र मैन इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर, उसके नीचे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो अंदर खोलते हैं तो इम्पोर्टेंट ऑयल बॉटल, हाउ टू यूज़, USB चार्जिंग, USB केबल के बारे में और मेंटेनेंस और क्लीन कैसे करना है। और पीछे की तरफ लगा हुआ है, लिखा हुआ है अटैचमेंट्स कैसे लगानी है इसकी और क्लीन कैसे करना है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस मैनुअल को साइड में रखते हैं और निकालते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर प्लास्टिक की कुछ केसिंग है अंदर की तरफ, थोड़ी टाइट सी है तो इसको खींच के निकाल लेते हैं अच्छे से। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं और सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक USB केबल है, माइक्रो USB। तो चार्जिंग इंडिकेटर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये चार्जिंग होती है, ब्लू कलर की लाइट जगती है। तो और देखते हैं तो यहाँ पे एक ब्रश दिया हुआ है इसको क्लीन करने के लिए कुछ इस तरीके का, वो भी आगे देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। तो एक ऑयल बॉटल दी हुई है इसको कभी जाम हो जाए तो इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ यूँ ऑयल सा है और थोड़ा सा ही है, कमी दिया है इन्होंने। खोल के देखते हैं तो ये इसके अंदर छेद करके निकालना पड़ेगा, ये ओपन नहीं आती है तो इसको बंद करके रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो इसको साइड रखते हैं, मेन अपने उस पर आ जाते हैं ट्रिमर पे। तो उसको बाहर निकालते हैं, वो पॉलीथीन में आता है तो निकालते हैं इसको बाहर। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर का है और कुबरा लिखा हुआ है नीचे। इसमें एडजस्टमेंट वाली सेटिंग्स दी हुई है 20 वाली, जैसे 10 mm वाली, नीचे इंडिकेटर है और नीचे USB केबल है। और पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि ये चार्जर कौन सा लगाना है और 8 घंटे टाइम लेता है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सामने की तरफ देख चुके हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ बटन है और ये एडजस्टमेंट वाली सेटिंग्स है। तो इसको घुमाते हैं तो ये आगे वाला एडजस्टमेंट आगे पीछे होता है, देख सकते हैं आप। इसको बाहर निकालते हैं और इसके अटैचमेंट को देखते हैं कैसे लगता है, और साथ में इसको भी बाहर निकालते हैं। ये ब्लेड है, देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, अंदर से मेटल की है और अंदर मोटर लगी हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये निकली हुई है पिन सी। इसको भी चला के देखते हैं तो कुछ इस तरीके की आवाज़ करती है, ये बहुत स्लो आवाज़ करती है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करती। तो इसको वापस जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ना भी बहुत ही आसान है। इसमें एक दिया होता है हुक सा जिसके अंदर इसकी ब्लेड की पिन को घुसाना होता है मोटर वाली को, जो कि एक हाथ से थोड़ी मुश्किल है, दो हाथ से आसान है आप करके देखेंगे तो। तो ये कुछ इस तरीके से है और अटैचमेंट कुछ इस तरीके से लगानी है, यहाँ पे जगह दी हुई होती है। तो ये ऑन करके देख लेते हैं, ऑन हो जाता है।
तो ये कुछ इस तरीके से ऑन होता है, ये आगे पीछे इसकी ब्लेड हिलती है जिससे बाल कट जाते हैं। ये बियर ट्रिम करने के लिए, कुछ भी ट्रिम करना चाहो उसके लिए है। तो इसको साइड में रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।